असलम टुडेज़ लेक्चर नंबर फोर्टी टू ऑफ आ कोर्स सी एस टू जीरो वन इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग पिछली दफ़ा आपको याद होगा हमने टेम्पलेट फंक्शनस के बारे में बात की थी और मैंने आपको बताया था कि टेम्पलेट फंक्शन वो है जो हम फंक्शन लिखते हैं जहाँ पर हम जनेरिक डेटा टाइप्स इस्तेमाल करते हैं और उसकी एक मोटिवेशन या रेशन मैंने इस तरह से की थी कि जब भी आपको लगे कि आप एक ही किस्म का फंक्शन बार बार लिख रहे हैं सो यू राइटिंग कोड दैट लुक्स वेरी वेरी सिमिलर इनफैक्ट आइडेंटिकल एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि उसके अंदर डेटा टाइप बदल रही है यानी कहीं आप इंट के लिए वही पूरा फंक्शन लिख रहे हैं और कहीं आप डबल के लिए लिख रहे हैं या चार के लिए लिख रहे हैं एंड सो ऑन तो उस वक्त यू शुड कंसिडर राइटिंग अ टेम्पलेटाइज्ड वर्जन ऑफ दैट फंक्शन विच मीनस अब एक जनरिक डेटा टाइप के लिए एक फंक्शन लिख लिया जाए उसके लिए हमने की वर्ड टेम्पलेट और फिर एंगल ब्रैकेट्स इंट्रोड्यूस किए थे तो जी टेम्पलेट क्लास टी टी वॉज अ टेम्प्री स्पेस होल्डर एंड टी रिप्रजेंट्स आर जेनेरिक डेटा टाइप उसके बाद यहां से शुरू करके आप फंक्शन लिखते हैं और जहां जहां आपने वो डेटा टाइप इस्तेमाल करनी है वहां पर आप टी लिखते जाते हैं फंक्शन का ये एक जेनेरिक टेम्पलेट बन जाता है जब ये टेम्पलेट हम इस्तेमाल करने जाते हैं और अपने प्रोग्राम के अंदर उस फंक्शन को कॉल करते हैं विद अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ डेटा तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली याद रखें ये कंपाइल टाइम की बात है ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है कि जब किस किस्म का डेटा इस फंक्शन को पास किया जा रहा है जब वो देखता है कि यहाँ पे आप इंट के साथ एक फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो जहाँ जहाँ आपने ओरिजिनल टेम्पलेट के अंदर टी लिखा था वहाँ पे इंट लिखा जाता है और एक नई कॉपी फंक्शन की जनरेट कर लेता है कंपाइलर और वो कंपाइल हो जाती है ऑब्जेक्ट कोड में आपके प्रोग्राम के अंदर शामिल हो जाती है द सेम थिंग अप्लाइज बेसिकली टू एनी अदर डेटा टाइप दैट यू माइट वॉन्ट टू यूज़ विद द सेम फंक्शन सो एक टेम्पलेट के साथ समझ लें आपने एक फैमिली ऑफ फंक्शन क्रिएट कर ली है जिनकी नोयत जो है यदि जो वो काम करते हैं वो काम एक किस्म का है लेकिन उनके डेटा टाइप मुख्तलिफ है सो so, अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल किसी नंबर को स्क्यर करना चाहते हैं तो आपने स्क्वेयर का फंक्शन लिखा तो उसको इंट से कॉल कर लें डबल से कॉल कर लें और फ्लोट के साथ कॉल कर लें वो काम करेगा अगर वो टेम्पलेट वर्जन है और अगर वो आप आपदा लिखना चाहें तो फिर आपको उसको ओवरलोडेड वैरायटी में लिखना पड़ेगा आपको हर डेटा टाइप के लिए अलहदा अलीहदा फ़ंक्शन लिखना पड़ता था सो टेम्पलेट फंक्शंस हैव अ गुड यूज़ दे प्रोमोट कोड री एंड नॉट ओनली दैट मेजर एडवांटेज ये है कि जो आपने एक दफ़ा कोड लिखा और उसको देख लिया कि उसका लॉजिक ठीक है तो फिर आपको दोबारा से उसको लिखना नहीं पड़ता और कोई जेर ज़बर की भी गलती उसमें नहीं होती हाँ द क्वेश्चन इज़ कि इसको डिबग कैसे किया जाए टेस्ट कैसे किया जाए इसके बारे में थोड़े से मैं हिंट्स और पॉइंटर्स आपको दे देता हूँ कि एक्चुअली टेम्पलेट फंक्शन का लिखने का तरीका मे बी रिवर्स में आप अपनाएं और बाद में जाके जैसे एक्सपर्टीज़ डिवेलप हो जाती है फिर आप सीधा सीधा टेम्पलेट फंक्शन लिखें अगर रिवर्स टेक्निक इस्तेमाल करनी है जब आपको पता है कि जी आपके फंक्शन ने करना क्या है तो आप कोई भी डेटा टाइप अपनी लें टारगेट डेटा टाइप फॉर एग्जांपल आप इंट के लिए फ़ंक्शन लिखना चाहते हैं तो पहले आप इंट के लिए पूरा फंक्शन लिख लें और उसको टेस्ट कर लें वंस यू टेस्टेड इट एंड यू सेटिस्फाइड दैट इट वर्क्स विद इंट्स फिर आप अपने एडिटर में जहाँ जहाँ फंक्शन में इंट लिखा हुआ था उसको रिप्लेस कर दें टी के साथ उसके नाम से पहले टेम्पलेट क्लास टी वाला क्लॉस डाल दें और टेम्पलेट बन गई लेकिन उसको फिर भी आपको टेस्ट करना चाहिए और थॉरली टेस्ट करना चाहिए क्योंकि जो कोड कंपाइलर जनरेट करता है वो आपको एडिटर में नज़र नहीं आता यानी वो एक ऑटोमेटिक एक मैजिक किस्म की चीज़ है जो कि कंपाइल टाइम में आपके लिए हो जाती है जब ये चीज़ ऑटोमेटिकली आपके लिए हो रही है तो कंपाइल कंपाइल करने से पहले आप कोड देख नहीं सकते इसी तरह से उसको डिबंग करना भी उतना ही मुश्किल हो जाता है कि अगर कंपाइलर कहे कि कहीं पर एरर आ रहा है या चलते वक्त कोई रन टाइम एरर आ जाए तो फिर आप कोड में कहाँ पर उसको ढूंढेंगे दिस इज़ एन इशू बट न लेस अगर आप प्रॉपरली डिज़ाइन करके टेम्पलेट लिखते हैं तो उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है इन टर्म्स ऑफ कोड री यूज़ आज हम इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा एक्सटेंड करना चाहते हैं और हम बात करना चाहते हैं टेम्पलेट क्लासेस की अब फंक्शन की मैंने आपको थोड़ी सी जस्टिफिकेशन दी व्हाट अबाउट क्लासेज दम सेल्वस व्हाट अबाउट कि जी हम एक डेटा टाइप क्रिएट करना चाहते हैं जिसका पूरा बिहेवियर क्योंकि अब मैं फंक्शन की बात नहीं कर रहा तो डेटा टाइप में मैं अब बिहेवियर की बात करूंगा कि उसका सारा बिहेवियर एक किस्म का हो लेकिन कभी हम चाहें तो वो इंट के लिए इस्तेमाल हो जाए या चार के लिए हो जाए या डबल के लिए हो जाए या फ्लोट के लिए हो जाए एंड सो ऑन सो इट इज़ अ केस ऑफ डिफाइनिंग अ कम्प्लीट इंटरफेस एंड इम्प्लीमेंटेशन बट डिफाइनिंग इट इन अ जेनेरिक फैशन कोई एग्जाम्पल आपके ख्याल में आता है मीन वन हैज़ टू थिंक ऑफ कि जी ये कहाँ पे टेम्पलेट क्लास का यूज़ जाएगा कि जी क्लास एक किस्म की हो लेकिन हमें उसकी ज़रूरत पड़ जाए डिफरेंट डेटा टाइप्स के लिए कुछ मैं आपको एग्ज़ाम्पल देने की कोशिश करता हूँ ये एग्जाम्पल एक्चुअली तो इट्स लुकिंग इन टू द फ्यूचर बेट क्योंकि डेटा स्ट्रक्चरस के कोर्स के अंदर आप अच्छी तरह इसको, इसको इस्तेमाल करेंगे बट फॉर द मोमेंट लेट अस टॉक अबाउट अ डेटा स्ट्रक्चर कॉल्ड अ स्टैक स्टैक क्या होता है हम बार बार बात तो करते रहें कि जी वो फंक्शन को कॉल करते हैं तो स्टैक पे वैल्यूज़ लिखी जाती हैं फिर उसे उठाई जाती हैं सो वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ डज अ स्टैक वर्क वॉट इज प्रॉपर्टीज़ आर एंड देन सी कैन वी मेक इट जेनेरिक वॉट इज़ अ स्टैक शादी पे आप गए हैं कभी डिनर खाया है वहाँ पे देखें खाना किस तरह से सर्व होता है बर्तनों के अंदर चावल और अच्छी अच्छी खाने की चीज़ें पड़ी होती हैं साथ प्लेटें पड़ी होती हैं प्लेटें नोटिस करें तो वो अलहदा अलहदा नहीं रखी हुई इनको ऊपर नीचे रखा हुआ है दे आर लाइंग इन अ स्टैक आप अभी कभी किसी मेस में खाना खाएं तो वहां पे भी प्लेटें आपको स्टैक में मिलती हैं मेस वाला स्टैक जो होता है वो यूजुअली किसी किस्म का कंटेनर बनाया होता है जिसमें शायद रॉड्स भी लगी हों और उनके दरम्यान में प्लेटें डाली हों नीचे स्प्रिंग लगा हो प्लेट उठाते जाए दूसरी प्लेट नीचे से ऊपर आती जाए लेकिन इसकी एक प्रॉपर्टी समझें ऑल दो हम कई दफ़ा ये प्रॉपर्टीज़ को मतलब वायलेट भी कर देते हैं लेकिन अगर प्लेटों के हवाले से आप बात करें तो अगर एक साफ प्लेट आपने रखनी है तो वो इस पाइल के ऊपर रखेंगे दूसरी अगर प्लेट उस रखनी है तो फिर पाइल के ऊपर रखते हैं यानी प्लेटें ऐड करने का तरीक़ा जो है वो सिर्फ़ एक जगह पे है कि जी स्टैक के ऊपर रखी जाए इसी तरीके से अगर हमने प्लेट उठानी हो तो हम ऊपर से उठाते हैं हम नीचे से खींचने की कोशिश नहीं करते खास तौर पे वही जो होल्डर बना हुआ है प्लेटों के लिए मैसेज के अंदर मिलता है उसमें से तो आप नीचे से खींच ही नहीं सकते क्योंकि इसके साइड पर रॉड्स लगी हुई हैं और प्लेटें आप सिर्फ ऊपर से उठा सकते हैं या ऊपर से रख सकते हैं दिस इज़ ट्रूली अ स्टैक प्रॉपर्टी इसकी क्या है कि जो अखीर में चीज़ डाली जाएगी वो सबसे पहले उठाई जाएगी इन इंग्लिश वी कॉल इट लास्ट इन फर्स्ट आउट ये आप बार बार सुनेंगे और ये डेटा स्ट्रक्चर्स में आपको काफ़ी दफ़ा देखना पड़ेगा कि जी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्या होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट क्या होता है एंड सो ऑन बट फॉर द मोमेंट लेट्स टॉक अबाउट दिस स्टैक मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया अ स्टैक ऑफ प्लेट्स का अब हम अगर प्रोग्रामिंग की तरफ आए तो स्टैक का कॉन्सेप्ट आपको इससे समझ आ जाएगा कि जनाब जो चीज़ हम इसमें ऐड करना चाहते हैं वो हम ऊपर से ऐड करते हैं और जब हम चीज़ निकालना चाहते हैं तो जो आखिर में चीज़ ऐड की गई थी वही चीज़ हम निकालते हैं इसके साथ अब आप नंबर्स का स्टैक बना लें इंट्स का स्टैक बना लें डबल का बना लें फ्लोट का बना लें कैरेक्टर का स्टैक बना लें कोई फ़र्क नहीं पड़ता एज लॉन्ग एज इट इम्प्लीमेंट्स दिस प्रॉपर्टी एंड इट हैज अ साइज एंड यू कैन प्लेस थिंग्स इन इट एंड रिमूव दैम द कॉन्सेप्ट इज़ कि जी स्टैक अगर आप समझें तो हम एक क्लास की बात कर रहे हैं लेकिन यहाँ पे क्लास का बिहेवियर हमने डिफ़ाइन कर दिया है हमने कहा है कि जी वो क्लास बिहेव कैसे करेगी उसका इंटरफेस क्या होगा लेकिन वो क्लास होल्ड किस चीज़ को करेगी या किस किस्म का डेटा होगा इस स्टैक के अंदर वो डेटा हम कह रहे हैं कि जी वेरिएबल हो सकता है चाहे तो हम प्लेटों का स्टैक बना लें चाहे तो हम इंट्स का स्टैक बना लें चार का बना लें फ्लोट का बना लें जब हम कम्प्यूटर्स की तरफ बात करते हैं अपनी प्रोग्रामिंग में सो हेयर इज़ अ गुड कैंडिडेट

बाकी जो फ़ायदे नुकसान थे वो तकरीबन उसी लेवल पे रहते हैं जो कि फंक्शंस के लिए हमने बात की थी <coughs> अगर आप एक क्लास पूरी की पूरी डेवलप कर सकते हैं और उसका इंटरफेस डिफ़ाइन कर सकते हैं यानी उसके डेटा मेंबर्स क्या होंगे उसके मेंबर फंक्शंस क्या होंगे किस तरह से वो बिहेव करेंगे तो खुद ही सोचें कि हमारी कितनी सारी एफ़र्ट जो है वो बच गई है जस्ट डिफाइनिंग वन टेम्परेटाइज क्लास एंड देन यूजिंग इट टू इंस्टेंशियेट ऑब्जेक्ट्स ऑफ मनी डिफरेंट टाइप्स नॉट मैनी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बट ऑब्जेक्ट्स ऑफ मैनी डिफरेंट टाइप्स सो इन अ वे द होल क्लास इज रेप्लीकेटेड कंपाइलर का बिहेवियर बिल्कुल वही रहता है जो कि टेम्पलेटाइज फंक्शनस के साथ था इन अदर वर्ड्स जब हम एक क्लास को किसी नई डेटा टाइप के साथ एक टेम्पलेटाइज क्लास को नई डेटा टाइप के साथ इंस्टेंशिएट करना चाहते हैं तो इन अ वे कम्पाइलर देख के पूरी क्लास का एक वर्जन बना लेता है जिसमें हर फंक्शन हर डेटा मेम्बर हर स्ट्रक्चर उससे अफेक्ट हो जाता है जहाँ जहाँ भी हमने वो जेनेरिक डेटा टाइप के साथ डिज़ाइन की थी क्लास वहाँ पे हम जो भी डेटा टाइप स्पेसिफाई करेंगे यानी इंट, डबल फ्लोट वो वहाँ पे आ जाएगा इन फैक्ट इफ़ यू थिंक अबाउट वॉट वी टॉकड अबाउट वेन वी टॉकिंग अबाउट टेम्पलेट फंक्शन हमने इसकी भी बात की थी कि जनाब ऑब्जेक्ट क्या चीज़ है या क्लास क्या चीज़ है तो क्लास तो यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है अगर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है तो इसी टेम्पलेटाइज क्लास के साथ हम अपनी यूजर डिफाइंड डेटा टाइप की एक और क्लास भी बना सकते हैं इन अदर वर्ड्स वी आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू क्रिएटिंग कॉपीज ऑफ दिस क्लास फॉर ओनली द नेटिव डेटा टाइप्स लाइक इन टबल फ्लोट वी कैन ऑल्सो क्रिएट कॉपीज ऑफ दिस क्लास ऑफ आर ओन डेटा टाइप्स ना दिस इज रियली एक्सटेंसिबिलिटी याद रहे जब भी मैं C++ की बात करता था मैं कहता था इट्स एन एक्सटेंडेबल लैंग्वेज हम इसके अंदर अपनी चीज़ें डिफ़ाइन करके इसको एक्सटेंड कर सकते हैं लेकिन अब ये उससे कहीं आगे हम गुजर चुके हैं शुरू हमने किया था कि जी नेटा टाइप नेटिव डेटा टाइप से बढ़ के हम अपनी क्लासेस डिफाइन करके उनके ऑपरेटर्स डिफ़ाइन कर लें तो एक नई डेटा टाइप बन गई अब हम बात कर रहे हैं कि जी एक फंक्शन लिखा और उससे बीसों के किस्म के डिफरेंट फंक्शंस ऑटोमेटिकली जनरेट करवा लिए और आज एक क्लास लिखी इस तरह से लिखी एक जेनेरिक किस्म की क्लास कि उससे जिस भी डेटा टाइप की हम एक स्पेसिफिक क्लास बनवाना चाहें वो क्लास बन सके सो यू कैन थिंक ऑफ अ वेरी स्पेशल रबर स्टैम्प विच एवरी टाइम यू यूज़ इट यू कैन स्पेसिफाई कि जी इसकी शक्ल सूरत क्या होनी चाहिए इसकी इंक का रंग क्या होना चाहिए और वो ऑटोमेटिकली उस किस्म की कॉपी आपको बना देता है चले आए देखते हैं कि जी इन जेनेरिक यानी टेम्परेट क्लासेस का सिंटैक्स क्या होता है

इन द नॉर्मल डेफिनेशन ऑफ द क्लास जहाँ जहाँ आपको डेटा टाइप टी चाहिए वहाँ आप टी लिखते जाएंगे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक क्लास है जिसमें इंट लिखना चाहते थे और अब इंट वो चीज़ है जिसको आप रिप्लेस करेंगे कि जो कभी इंट हो सकता है कभी डबल हो सकता है तो ऊपर टेम्पलेट क्लास टी जब लिख दिया तो नीचे जहाँ इंट आएगा वहाँ आप टी लिखते जाएँ ये देख लीजिएगा कि जनाब कई दफ़ा हम इंटीजर्स वैसे ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं क्लासेस के अंदर फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कोई वैक्टर या एरे बनाना है तो उसका साइज़ जो है विल बी एन इंटेजर बट द ए अरे में बी एन एरे ऑफ चार्ज और डबल्स ऑफ फ्लोर्ट्स और समथिंग एल्स सो डोंट कन्फ्यूज द यूज ये ख्याल रखें कि जहाँ पर आपने टी लिखना है वहीं पर टी हो सो लेट स्टार्ट अगेन ऑल वी डूज वी स्टार्ट विद द टेम्पलेट क्लास टी लाइन देन स्टार्ट डिफाइनिंग अलास इन दन ऑर्डिनरी फैशन लेकिन यहाँ पर भी हम जेनेरिक डेटा टाइप को रिप्लेस करना चाहेंगे बाद में वहाँ पे आप टी इस्तेमाल करते जाते हैं टी की जगह पे ए इस्तेमाल करें बी करें सी करें दैट इज़ योर चॉइस यूजुअल यूज़ेज जो है आम तौर पे वो टी लिखा जाता है क्लास डेफिनेशन और उसके फंक्शंस वग़ैरह सब आपने डिफ़ाइन कर देने हैं इस तरीके से मेम्बर फंक्शनस कैसे करेंगे मम्बर फंक्शन आपको याद होगा नॉर्मली हम क्लास से बाहर जाके डिफ़ाइन करते हैं जब बाहर डिफ़ाइन करेंगे मेंबर फंक्शन को तो फिर आप लिखेंगे टेम्पलेट क्लास टी दोबारा से फिर आप क्लास लिखेंगे क्लास का नाम और फिर आगे क्लास के नाम के फ़ौर बाद एंगल ब्रैकेट्स में आप टी लिख देंगे और फिर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर जो है डबल कोलन फंक्शन नेम और फिर उसके आगमेंट्स या पैरामीटर्स और फिर फंक्शन की बॉडी आएगी और बॉडी के अंदर फिर जहाँ जहाँ टी की ज़रूरत है वहाँ आप टी लिखते जाएंगे याद रहे जहाँ पे भी आप ये जेनेरिक डेटा टाइप लिख रहे हैं टी जब आप क्लास को इस्तेमाल करने जाएंगे वहाँ पे कंपाइलर रिप्लेसमेंट करेगा सो so आपने सोचना ही उस तरीके से है जो मैंने आपको फंक्शन प्रोटोटाइप या फंक्शन डेफिनेशन बताया इट्स नो डिफरेंट फ्रॉम योर नॉर्मल वे देखिए हम नॉर्मली लिखते हैं क्लास नेम फिर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर जो है डबल कोलन और फिर फंक्शन नेम फिर उसकी आगु लिस्ट और फिर फंक्शन की बॉडी यहाँ पे सिर्फ फ़र्क क्या आ रहा है कि क्लास नेम के बाद एंगल ब्रैकेट्स के अंदर आपने फिर वो जेनेरिक डेटा टाइप दे दी यानी टी और फिर उसको फंक्शन के अंदर इस्तेमाल किया ये तो होगी क्लास की डेफिनेशन जब आप क्लास को इस्तेमाल करने जाते हैं यानी द क्लाइंट्स ऑफ द क्लास विच नॉर्मली आर आर मेन प्रोग्राम या अदर फंक्शंस वहाँ पे आप इस क्लास से कुछ ऑब्जेक्ट्स को डिक्लेयर करते हैं सो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्लास है नंबर तो हम कहते हैं नंबर एक्स नॉर्मली एक्स कह देना काफ़ी है अब हम ये कर रहे हैं क्योंकि ये टेम्पलेट क्लास है तो नंबर के साथ बताना पड़ेगा किस किस्म का नंबर सो लेट्स टेक अ लुक एट द कोड फॉर दिस वेरी वेरी सिंपल नंबर क्लास इस कोड के अंदर यानी हम कहते हैं कि ये छोटी सी क्लास बनाने लगे ये एक नंबर स्टोर करेगी उसको इनिशलाइज कर सकते हैं उसको डिस्प्ले कर सकते हैं प्रिंट कर सकते हैं सो so क्लास की अपनी बेसिक डेफिनेशन सिंपली स्टार्ट्स विद टेम्पलेट क्लास टी क्लास नंबर और उसका जो डेटा मेंबर है दैट विल बी टी लेट्स कॉल इट नंबर नंबर कह दें माई नंबर कह देते हैं ताकि वो क्लास नेम से ज़रा डिफरेंश हो जाए सो वी कैन से टी माई नंबर दैट इज़ अ प्राइवेट डेटा मेबर अभी यहीं तक रुक जाए लेकिन जब हम इसको इस्तेमाल करने जाएंगे अगर मैं कहता हूँ कि जी इंटीजर वाला नंबर जनरेट करो तो इस टी की जगह पे इंट लिखा जाएगा एज़ लॉन्ग एज यू अंडरस्टैंड दैट यू अंडरस्टैंड एवरी थिंग एल्स नाउ टेक अ लुक एट द कोड वेरी सिंपल फ्यू लाइंस हमने पूरी इसको फ्लैश आउट नहीं किया और फिर देखें इसका इस्तेमाल कैसे है कि जब हम अपने मेन प्रोग्राम या अपने फंक्शन के अंदर इस क्लास का कोई ऑब्जेक्ट बनाने जाते हैं तो उस वक्त हम बताते हैं कि जी ये किस किस्म का नंबर होगा और बताने का तरीका क्या है हम क्लास का नाम लिखते हैं और फिर उसके फ़ौर बाद एंगल ब्रैकेट्स के अंदर डेटा टाइप दे देते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल नंबर और फिर एंगल ब्रैकेट्स के अंदर हमने लिख दिया इंट और फिर आगे लिख दिया x. नाउ यू शुड रीड दिस लाइन एज x इज़ एन ऑब्जेक्ट विच इज़ ऑफ द टाइप नंबर यानी क्लास उसकी नंबर है लेकिन नंबर का पैरामीटर जो है वो इंट है और सोचने का तरीका या एनालाइज करने का तरीका ये है कि जो नंबर क्लास हमने डिफाइन की वहाँ जहाँ जहाँ टी लिखा हुआ था वहाँ इस वक्त इंट लिखा गया अगेन दिस इज़ डन ऑटोमेटिकली बाय द कंपाइलर फॉर अस So there's a little bit of magic involved. यू विल नॉट सी बिफोर the compiler completes its जॉब आपको ये क्लास इंट के लिए बनी हुई नज़र नहीं आएगी लेकिन कंपाइलर ने इंटरनली ये पूरी की पूरी क्लास की एक कॉपी जो है वो इंट के लिए जनरेट कर रखी है और फिर उसको इस्तेमाल करेगा इसी तरीके से अगर हम कह दें नंबर और एंगल ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं डबल और आगे y लिखते हैं तो y becomes an object of type number within the type नंबर वो जो उसकी जेनेरिक डेटा टाइप थी दैट हैज़ नाउ बीन रिप्लेस्ड बाय टाइप डबल सो टी की जगह पे डबल आ जाएगा एंड अगेन अ होल कॉपी ऑफ द क्लास विल बी मेड विद टी रिप्लेस्ड बाय डबल एवरीवेयर एंड द प्रोग्राम विल कंपाइल एंड रन सो इट इज़ क्वाइट यूजफुल एंड अ बिग शॉर्टकट कट एक छोटी सी वेरिएशन बताता चलूँ कि हम नॉन टाइप पैरामीटर्स जो हैं वो भी टेम्पलेट्स में इस्तेमाल कर सकते हैं वॉट डज दिस मीन नॉन टाइप पैरामीटर्स देखें हम टेम्पलेट क्लास टी तो लिखते आए हैं पर अगर मैं चाहूं कि जी टेम्पलेट क्लास टी कॉमा इंट समथिंग लिख सकूं इंट एलिमेंट्स फॉर एग्जांपल तो कैन वी डू दैट द आंसर इज़ यस यू कैन डू दैट लेकिन ये जो नॉन जेनेरिक टाइप हमने इस्तेमाल कर ली ये एक किस्म का कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा विद इन द क्लास डेफिनेशन सो वी कैन यूज़ अ नेम ओवर हेयर इंट एलिमेंट्स जैसे किया है और फिर क्लास की डेफिनेशन के अंदर जहाँ पे भी हम एलिमेंट्स का वर्ड इस्तेमाल करेंगे वहाँ पे जो वैल्यू पास की जाएगी वो वहाँ पे रिप्लेस हो जाएगी ना आपको याद होगा कि जब भी हम एरेज डिक्लेयर करने जाते हैं वेन वी से इंट एक्स और स्क्वेयर ब्रैकेट्स के अंदर कोई नंबर देते हैं वो नंबर जो है इट हैज़ टू बी अ कॉन्स्टेंट इट कान बी अ वेरिएबल सो वी हैव टू से इंट एक्स हंड्रेड या इंट एक्स फाइव या ऊपर शार्प डिफ़ाइन के साथ कोई नाम एसोसिएट करें नंबर के साथ तो वो कांस्टेंट है या ऊपर कोई कांस्टेंट इंटिजर डिफाइन करें और फिर उसको इस्तेमाल करें तो यहाँ पे जो नॉन टाइप पैरामीटर है दैट इन अ वे बिहेव्स लाइक अ कांस्टेंट एंड वी कैन यूज़ इट टू डायमेंशन थिंग्स जब हम क्लास को इंस्टेंशिएट करने जाएंगे वहाँ पर आपको फिर सिर्फ़ टी की जगह पर रिप्लेसमेंट नहीं चाहिए बट टी कॉमा जो भी आपने नॉन टाइप पैरामीटर दिया है उसकी भी वैल्यू देनी पड़ेगी और वो फिर क्लास की डेफिनेशन के अंदर इस्तेमाल होती है लेकिन दिस इज अ माइनर पॉइंट द मेजर वन वाज टी एंड इट्स रिप्लेसमेंट विद इन द क्लास नाउ लेट्स मूव ऑन आई होप द कॉन्सेप्ट ऑफ अ टेम्पलेट क्लास इज क्लियर हमने एक वही बात जो कल पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि जनाब एक टेम्पलेट काट ली और उसको रख के हमने बेशक गत्ते का ट्रायंगल काटे या लकड़ी का काटे या लोहे का काटे हमने एक टेम्पलेट बना ली है फंक्शंस के हवाले से वो हमने बात की थी उसी तरीके से अगर आप क्लासेस का सोचें तो वही बात हो रही है कि जी हमने एक खाका बना लिया है एक टेम्पलेट बना ली एक डब्बे की फॉर एक्ज़ाम्पल अब डब्बे को आप समझ लें क्लास है लेकिन ये नहीं बताया कि वो डब्बा लोहे का बनेगा कॉपर का बनेगा लकड़ी का बनेगा लेकिन डब्बे की पूरी साख्त और उसके मेंबर फंक्शंस खुलेगा बंद होगा ताला लगेगा एट्सेट्रा वो हमने डिफाइन कर लिए क्योंकि डब्बे के ये कॉमन पैरामीटर्स हैं और फिर जब हम उसके ऑब्जेक्ट्स इंस्टेंशिएट करने जाते हैं तो हम कहते हैं कि जी लकड़ी का डब्बा बना दो लोहे का डब्बा बना दो एट्सेट्रा द मैथड्स यूज आर एग्जैक्टली आइडेंटिकल सो वी सेव अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड लेबर एंड द अदर वन इज़ द अदर बिग मोटिवेटिंग फैक्टर इज़ कोड री और री भी उस किस्म के कोड का जो कि टेस्टेड एंड ट्राइड है फॉर दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम लेट्स मूव ऑन एंड लुक एट सर्टन इम्प्लीकेशन फॉर टेम्पलेट क्लासेस फॉर एग्जाम्पल स्टैटिक मेम्बर वेरिएबल्स का क्या होता है जब हम ऑर्डनरी क्लासेस की बात कर रहे थे उसमें आपको याद होगा कि जी हम स्टैटिक मेम्बर वेरिएबल्स इस्तेमाल कर सकते थे और फिर मैंने आपको बताया था कि जी स्टैटिक वेरिएबल एक ऐसा होता है जो कि पूरी क्लास के लिए एक कॉपी उसकी बनती है जो ऑर्डनरी मेंबर डेटा है उसमें तो हर ऑब्जेक्ट के लिए एक एक कॉपी डेटा की बनेगी यानी किसी में उसकी डेट ऑफ बर्थ इज़ अ मेंबर मेंबर डेटा ऑफ अ क्लास तो हर ऑब्जेक्ट जो है हर पर्सन जो फॉर एग्जांपल आप इंसेंशिएट कर रहे हैं उसके अंदर डेट ऑफ बर्थ की डिफरेंट वैल्यू होगी लेकिन अगर आपने एक स्टैटिक मेंबर डिक्लेयर किया हुआ है नंबर ऑफ पर्सनस तो इस पूरी क्लास के लिए नंबर ऑफ पर्सनस एक वेरिएबल होगा एंड नॉर्मली वी कैन यूज़ अ कंस्ट्रक्टर एंड अ डिस्ट्रक्टर टू इंक्रीमेंट और डेक्रीमेंट दिस वन स्टैटिक मेंबर व्हाट हैपेंस व्हेन दिस स्टैटिक मेंबर हैपेंस टू बी पार्ट ऑफ अ टेम्पलेट क्लास वेल द आंसर इज कि जब आप इस क्लास को इंस्टेंशिएट करने जाएंगे और अब इंस्टेंशिएशन के दो हिस्से हैं एक तो है ऑब्जेक्ट बनाना और दूसरा हिस्सा है किस किस्म का ऑब्जेक्ट बनाना हालांकि इस क्लास के अंदर ही रह के हम बात कर रहे हैं सो फॉर एग्जांपल नंबर इंट एक्स जहां इंट हमने एंगल ब्रैकेट्स में लिखा है इट सेज के जी एक्स ऑब्जेक्ट है जेनेरिक क्लास नंबर का लेकिन उसकी स्पेसिफ़िक टाइप है इंट और इसी तरह फ्लोट इसी तरह डबल तो जब हम नंबर क्लास के अंदर कोई स्टैटिक वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो होता यह है कि जब भी आप क्लास को इंस्टेंशिएट करते हैं आपने अगर इंट से इंस्टेंशियट की तो इंट सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स के लिए एक स्टैटिक वेरिएबल की कॉपी बन गई उसी नंबर क्लास को आपने फ्लोट के लिए इंस्टेंशियट किया तो तमाम फ्लोट नंबर्स के लिए एक स्टैटिक मेंबर की कॉपी बन गई सो द स्टैटिक मेंबर इज स्टैटिक यानी वन कॉपी फॉर दैट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट सो ऑल ऑब्जेक्ट्स फिर बेशक आप दस नंबर इंट वाले बनाएं एक स्टैटिक मेंबर होगा जो कि इंट पे अफेक्ट करेगा या उनके साथ इंटरेक्ट करेगा इसी तरीके से आप डबल्स का अगर नंबर बना लेते हैं पंद्रह बना लें डिफ़रेंट ऑब्जेक्ट्स तो उनके लिए एक अलहदा से स्टैटिक वैल्यू होगी अब ये स्टैटिक वैल्यू क्लास वाइड नहीं है ये स्पेसिफिक क्लास वाइड है अगर आप सोचें दिस मेक्स लॉजिकल सेंस अगर पूरे प्रोसेस को आप याद रखें प्रोसेस क्या है कि कंपाइलर ने आपका कोड पढ़ा फंक्शन का या मेन का और उसके मुताबिक इस टेम्पलेटाइज क्लास की एक पूरी कॉपी बना ली इस कॉपी का नाम कंपाइलर अंदर ही रखेगा हमने तो नंबर रखा था शायद वो कोई और नाम जनरेट कर ले सो इन अ वे इट हैज़ जनरेटेड अ न्यू यूनिक क्लास वंस इज जनरेटेड न्यू यूनिक क्लास जिसके अंदर टी को उसने रिप्लेस कर दिया इंट के साथ तो इस यूनिक क्लास का स्टैटिक मेम्बर वेरिएबल बिहेव्स एग्जैक्टली लाइक जो हमारी ऑर्डनरी क्लासेस का स्टैटिक वेरिएबल बिहेव करता था इसी तरीके से उसने डबल के लिए एक पूरी कॉपी बना ली तो उसका भी यूनिक नेम होगा और फिर उस यूनिक नेम वाली कॉपी के अंदर जो स्टैटिक वेरिएबल गया है वो डबल वाले नंबर्स को अफेक्ट करेगा और उनके साथ वो इंटरेक्ट कर रहा होगा सो इट मेक्स लॉजिकल सेंस कि जी स्टैटिक वेरिएबल्स आर इंस्टेंशिएटेड वंस फॉर ईच टाइप जहाँ पे हम क्लास को इंस्टेंशिएट करने जा रहे हैं जहाँ पे भी हमने जेनेरिक डेटा टाइप को रिप्लेस किया है विद स्पेसिफिक डेटा टाइप

So that will mean an array of integers, it will mean an array of doubles, and so on. What about an array of persons? Well, if we have defined a class called person, so we can have an array of persons because person now behaves like another data type. User defined or not user defined doesn't matter at this stage. So in fact, aapke paas power aa hai, lekin, functions ki bat kiffons, or classes ke humne unko extend kiata. थोड़ा सा आपको ख्याल ये रखना पड़ेगा कि जब आप जेनेरिक क्लास के अंदर यानी टेम्परेटाइज क्लास के अंदर अगर कोई अपना ऑब्जेक्ट इस्तेमाल कर रही हैं अपनी क्लास इस्तेमाल कर रही हैं टू बी मोर एक्यूरेट, देन इट मस्ट सपोर्ट द फंक्शन या इंटरफेस जो कि ये जेनेरिक स्ट्रक्चर रिक्वायर करता है सो डोंट पोटेन समथिंग डेट कैनॉट बी यूज बाई दिस जेनेरिक स्ट्रक्चर आई रेफर यू बैक टू एन एग्जाम्पल देट वी डिस्कस्ड हमने एक फ़ोन कॉल का एग्ज़ाम्पल डिस्कस किया था और उसके अंदर कहा था कि जी रिवर्स जो है वो माइनस एक्स करके वापस कर देता है आपको याद होगा फिर हमें फ़ोन कॉल के लिए माइनस ऑपरेटर डिफाइन करना पड़ा था एन वी सेड कि जी माइनस जो होगा उसका बिल कोड बदल जाएगा अगर नंबर पास होगा तो माइनस जो है नंबर को रिवर्स करके यानी माइनस करके वापस कर देगा लेकिन फ़ोन कॉल के अंदर उसका बिहेवियर बदल गया था सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस थिंग्स वेन एवर यू यूज़ अटेम्पलेटाइज क्लास एंड विद इन दैट क्लास यू इंस्टेंशियटेड फॉर वन ऑफ योर ओन क्लासेज जस्ट मेक श्योर दट यू हैव कम्पेटेबल फंक्शन कॉल्स इन देयर ये मेमर फंक्शन बिहेव प्रॉपरली द वे वी वॉन्ट बिहेव लेट्स मूव ऑन एंड टेक अ लुक एट अनदर इशू जो कि हम क्लासेज में बार बार इस्तेमाल करते हैं और देखें कि उसको टेम्पलेट क्लासेज में क्या होता है दैट ईशू इज़ फ्रेंड फंक्शंस याद होगा कि हम फंक्शंस को फ्रेंड डिक्लेयर कर सकते हैं और उसकी भी जरूरत कई दफ़ा पेश आती है मैं उसको थोड़ा सा रिकेप करता चलूँ देखें फॉर एग्ज़ाम्पल एक ऑपरेटर है हमने अपनी क्लास के लिए उस ऑपरेटर को डिफाइन किया है लेट्स टेक प्लस प्लस एज यू नो इज़ अ बाइनरी ऑपरेटर उसने ए प्लस बी को इम्प्लीमेंट करना है जब भी हम एक क्लास के लिए फ़ॉर एग्ज़ाम्पल प्लस ऑपरेटर को इम्प्लीमेंट करने जाते हैं तो प्लस को कॉल करने वाला ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड पर होता है यानी एक ऑब्जेक्ट होता है जो प्लस को कॉल कर रहा है और प्लस ऑपरेटर को वो ऑब्जेक्ट जो है दिस पॉइंटर के थ्रू मिलता है और फिर उसको एक आर्गमेंट पेश किया जाता है जो प्लस के राइट हैंड साइड पर होता है यानी बी लेकिन अब अगर ये इक्वल ना हो हमारे पास ए जो है वो ऑब्जेक्ट हो हमारी क्लास का और प्लस के बाद कोई ऑर्डनरी डेटा टाइप यानी इंट लिखा हो सो वी हैव समथिंग लाइक ए प्लस टू जहाँ ए जो है वो एक ऑब्जेक्ट है फॉर क्लास और टू जो है वो ऑर्डनरी इंट है तो ये प्लस ऑपरेटर हैज़ टू बिहेव इंटेलिजेंटली सो वी ओवरलोड इट विद इन द क्लास डेफिनेशन वॉट हैपन्स वेन वी से टू प्लस ए देखिए ऑर्डिनरी इंड्स के अंदर तो टू प्लस थ्री इज़ द सेम एज थ्री प्लस टू सो वी वुड वॉन्ट द सेम बिहेवियर इन अ क्लास वी वुड वॉन्ट ए प्लस टू टू बी बिहेव इंग द सेम वे एज टू प्लस ए जहाँ पे ए जो है इज़ एन ऑब्जेक्ट ऑफ वन ऑफ आर ओन क्लासेज सो इसके लिए हम ओवरलोड नहीं कर सकते मेम्बर फंक्शन को क्योंकि जब टू प्लस ए लिखते हैं तो प्लस ऑपरेटर के लेफ्ट हैंड साइड पे तो इंट लिखा हुआ है अगर वो इंट है तो इट इज़ नॉट अ मेंबर फंक्शन ऑफ दिस क्लास मेंबर फंक्शन या मेंबर ऑपरेटर के लिए लेफ्ट साइड वाला ऑब्जेक्ट जो है वो क्लास का मेंबर होना चाहिए यानी क्लास वाला ऑब्जेक्ट होना चाहिए तो जब भी हम टू प्लस ए लिखते थे उसके लिए हमें फ्रेंड फंक्शन लिखना पड़ जाता था और फिर क्योंकि हम उस फंक्शन के थ्रू क्लास के प्राइवेट डेटा मेंबर्स को मैनिपुलेट करते थे We wanted that function to have access to the private data, and the only way an external function, which is not a member function, can have access to private data of a class, is if we declare that function to be a friend of the class. So, here motivation the friend function. की. Question is, when we write a template class, uske under friends ka behavior kya hota hai? For example, ham apni template class ke agar friend लेट्स एफ एफ इज द नेम ऑफ द फंक्शन मैंने वर्ड और डेटा टाइप्स वगैरह को छोड़ दिया कि जी क्या चीज़ रिटर्न करता है क्या चीज़ नहीं वो तो कोई भी टेम्पलेट हो सकती है हमने कहा फ्रेंड एफ पर वॉट दिस इज द फंक्शन एफ इज अ फ्रेंड ऑफ दिस क्लास क्वेश्चन इज यहाँ तो टेम्पलेटाइज क्लास है और टेम्पलेटाइज क्लास की हमने बात की है कि जब भी हम उसका ऑब्जेक्ट बनाने जाएंगे तो हम बताते हैं कि जनाब किस किस्म की क्लास जनरेट करनी है इंट की करनी है डबल की करनी है हमारी किसी क्लास की वर्जन जो है वो जनरेट करना है यहाँ पे जब हमने लिख दिया फ्रेंड एफ तो एफ बिकम्स अ फ्रेंड फंक्शन फॉर ऑल क्लासेज जनरेटेड यूजिंग दिस टेम्पलेट सो इट्स वेरी वेरी ग्लोबल एफ विल हैव एक्सेस टू द प्राइवेट डेटा स्ट्रक्चर of any and all different classes which are instantiated using this template class. इससे आगे चलें हम अगर कहें कि जनाब जो friend है वो उसके argument list के अंदर हम t लिख देते हैं ठीक है अब अगर वहाँ पे आपने specific मतलब class की instantiation की है for an integer और F के साथ आपने इंट लिख दिया है और उसी तरह एंगल ब्रैकेट इस्तेमाल होंगे जिस तरह आप सिंटेक्स देख रहे हैं दैट विल मीन दैट दिस फंक्शन इज अ फ्रेंड फॉर ऑल इंटिजर वर्जन ऑफ दिस क्लास दिस इज एन इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट दैट मीनस कि अगर आपने डबल वर्जन बनाया तो ये F जो है ये डबल वर्जन का फ्रेंड नहीं है इट इज़ ओनली अ फ्रेंड ऑफ द इंटिजर वर्जन ऑफ दिस क्लास उससे जो ऑब्जेक्ट्स बनेंगे उसमें F जो है वो फ्रेंड फंक्शन होगा इसी तरीके से अगर हम क्लास के अंदर कह देते हैं फ्रेंड क्लास वाई अपनी टेम्पलेट क्लास के अंदर ये लाइन लिख दी फ्रेंड क्लास वाई व्हाट दैट मीन्स इज़ कि वाई जो क्लास है उसके जितने मेंबर फंक्शंस हैं यानी देर क्लासेस आर नाउ टोटली फ्रेंड्स यानी ऑल मेंबर फंक्शंस ऑफ द क्लास वाई कैन एक्सेस द प्राइवेट डेटा ऑफ एनी एंड ऑल क्लास टाइप्स जनरेटेड यूजिंग दिस टेम्पलेट सो फॉर एग्ज़ाम्पल इंट के लिए हमने जनरेट की एक क्लास तो वाई के सारे मेंबर फंक्शंस इंट वाली क्लास के ऑब्जेक्ट्स के डेटा स्ट्रक्चर को हैंडल कर सकते हैं डबल के लिए हमने इंस्टेंशिएट की इस टेम्पलेट क्लास से तो क्लास वाई जो बाहर बैठी हुई है उसके मेंबर फंक्शंस जो हैं वो इसके सारे डेटा स्ट्रक्चर को हैंडल कर सकते हैं डबल वर्जन के साथ भी इसी तरीके से अगर हम कह दें फ्रेंड ए कोलन कोलन एफ वेर एफ इज अ फंक्शन यानी आगे पर हैं वॉट वी सेग इज़ क्लास ए जो कोई बाहर दूसरी क्लास है उसका जो मेंबर फंक्शन है एफ वो इस क्लास का फ्रेंड है यानी हमने पूरी क्लास को एक्सेस नहीं दिया उसमें से किसी एक फंक्शन को एक्सेस दे दिया अगेन दैट एक्सेस अप्लाइज़ टू ऑल क्लासेस जनरेटेड यूजिंग दिस टेम्पलेट और फाइनली अगर हम एफ के साथ टी इस्तेमाल करने लग पड़े उसी एंगल ब्रैकेट्स के साथ तो एकदम स्पेसिफिक हो जाता है कि जी ये जो फ्रेंड फंक्शन है बाहर वाली क्लास का हो अलग से जेनेरिक बाहर फंक्शन हो अकेला बैठा हुआ वो उस टेम्पलेट से जो भी टी किस्म की क्लास होगी यानी इंट के लिए या डबल के लिए जो भी हम इस्तेमाल करेंगे सिर्फ उसके लिए फ्रेंड होगा बाकी वर्जन के लिए फ्रेंड नहीं होगा सो देर आर मैनी वेरिएशन ऑफ दिस फ्रेंड थीम विच अप्लाइज टू टेम्पलेटाइज क्लासेस चले आइए इन कॉन्सेप्ट को किसी एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल पे अप्लाई करते हैं Let us try to make the class called stack, but make it in a generic fashion. Example ki kitab mein bhi diya hua hai. So I would strongly recommend that you read through the code, but not just read through it. What you should do is actually try to punch in the code, develop it, and write your own testing programs and see how it works. or complex issues but don't get into them, just try to write the template class. सो so, जनाब स्टैक को हमने कहा था कि जनाब इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो प्रॉपर्टीज़ की हम बात करते चलते हैं पहले हमने कहा कि जी एक तो हमें पता होना चाहिए कि स्टैक में इस वक्त कहाँ पे हम हैं सो इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ अ स्टैक पॉइंटर नाउ इट्स नॉट दैट पॉइंटर सो डोंट वरी अबाउट इट हम सिंपली एरे रख लेंगे अब वही आप तस्वुर करें कि वही प्लेटों का स्टैक है आपके पास आपने ये देखना है कि जी कितनी प्लेटें आ गई हैं स्टैक के अंदर और क्योंकि हम सिर्फ एक प्लेट के साथ डील कर रहे हैं जो सबसे ऊपर है रखी गई या उतारी तो पॉइंटर को एक जगह पे पॉइंट करना है विच इज़ एट द टॉप ऑफ द स्टैक उसके बाद उसकी जो एक एरे के अंदर हम चीज़ें रखेंगे उसको हम जेनेरिक बनाना चाहते हैं हम चाहते हैं कि वो इंट हो जाए या डबल हो जाए या चार हो जाए उससे हमें फ़र्क ना पड़े एंड देन देर आर अ फ्यू क्वेश्चन लाइक कि जी स्टैक खाली है या भरा हुआ है एंड सो एंड सो फोर्थ सो इफ वी लुक एट द कोड इट इज़ फेयरली स्ट्रेट फॉरवर्ड वी स्टार्ट विद टेम्पलेट क्लास टी एन वी से क्लास स्टैक वो हो गया अब इसके डेटा मेम्बर्स को देखें पहले तो हम समझ लेते हैं कि जी इसका कोई साइज़ होगा यानी कितने बीच में एरे के अंदर हम एलिमेंट्स रख सकते हैं सो देर इज़ एन इंट कॉल साइज ये इंट ही है बिकॉज एरे की लंबाई हमेशा इंट में गिनी जाती है कि लॉन्ग हो सकता है शॉर्ट हो सकता है इंट हो सकता है लेकिन डबल फ्लोट नहीं होता सो so, वहाँ तो इंट ही लिखा जाएगा उसके बाद हमें इसके लिए एक एरे भी डिटरमिन करनी है लेकिन एरे जो डेटा टाइप है वो वेरिएबल हमें चाहिए कि जी इसमें हम वही इंट या फ्लोट या चार कुछ भी स्टोर कर सकें तो एरे के लिए हम डेटा टाइप जो है वो टी लिखेंगे जो ऊपर टेम्पलेट क्लास टी लिखा था यहाँ पे हम लिखते हैं कैपिटल टी के साथ टी और फिर एरे का नाम लेट्स कॉल इट एरे और फिर आगे स्क्वायर ब्रैकेट्स आ जाते हैं जो बताते हैं कि ये एरे है

क्लास की डेफिनेशन में नहीं लिखते ये कंस्ट्रक्टर में जाएंगी और जब कंस्ट्रक्टर कॉल होगा किसी ऑब्जेक्ट के लिए यानी स्टैक ऑब्जेक्ट के लिए उस वक्त हमें चाहिए होगी सो वी कैन यूज़ द कंस्ट्रक्टर टू एक्चुअली डिफाइन द एरे फॉर अस कुछ हमें यूटिलिटी फंक्शंस चाहिए पुश का फंक्शन और पुश जो है वर्ड ये भी स्टैक्स के लिए कॉमनली इस्तेमाल होता है कि जी स्टैक पर कोई चीज़ पुश कर दी है हमने और फिर पॉप का फंक्शन कि जी स्टैक से हमने कोई वैल्यू उठा ली है पुश जो है क्या चीज़ पुश कर रहे हैं इट इज़ ऑफ टाइप टी पॉप क्या कर रहे हैं इट इज़ ऑफ टाइप टी सो पॉप शुड रिटर्न समथिंग ऑफ टाइप टी यानी इंट अगर पुश कर रहे हैं तो इंट रिटर्न करे डबल पुश कर रहे हैं तो डबल रिटर्न करे एंड सो ऑन सो पुश एंड पॉप आपको फंक्शन चाहिए होंगे विच विल बी पैरामीटराइज विद टी उसके बाद आपको मे बी कुछ जेनेरिक मैनिपुलेशन या क्वेश्चन वाले फंक्शंस चाहिए हों स्टैक भरा हुआ है इज एम्प्टी

जहाँ पे हमें एक जेनेरिक डेटा टाइप चाहिए थी वहाँ पे हम टी लिखते गए हैं वही चीज़ कि जहाँ पे हमने इसके फंक्शंस डिफ़ाइन करने हैं डिकर नहीं डिक्लेयर तो क्लास के अंदर हो गए डिफ़ाइन करने के लिए हमने फिर एंगल ब्रैकेट्स और टी इस्तेमाल किया है क्लास के नाम के फ़ौर बाद फिर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर डबल कोलन और फिर फंक्शन का नाम और फिर उसके अंदर जहाँ जहाँ जेनेरिक डेटा टाइप इस्तेमाल करनी है वहाँ हमने टी लिख दिया ये एक स्टैक स्टैक क्लास की डेफिनेशन बन जाती है इट्स देयर इन द सो यू कैन लुक इट अप इसको जब हम इस्तेमाल करने जाते हैं ऑल वी डू इज स्टैक आगे एंगल ब्रैकेट्स के अंदर हमने लिख दिया इंट और फिर आगे उसको वैल्यू दे दी एक इनिशलाइजर वैल्यू भी दे दी ताकि वो साइज डिटर्मिन कर सके यू शुड रीड दिस एज क्रिएट अ स्टैक ऑफ टाइप इंट इसी तरीके से स्टैक एंगल ब्रैकेट्स डबल विद एक्स

अगेन इफ़ यू लुक एट द एग्ज़ाम्पल एंड मोर इम्पोटेंटली इफ यू डू इट योर सेल्फ यू विल ऑल्सो लर्न द स्टैक बिहेवियर क्योंकि इस एरे में हम सिर्फ एक तरफ से नंबर्स एड कर रहे हैं और फिर उसी तरफ से उठा रहे हैं यू विल नोटिस कि अगर आप वन टू थ्री फोर फाइव स्टैक पर डालेंगे तो जब उसको उठाने लगेंगे तो आपको रिवर्स ऑर्डर में मिलेंगे फाइव फोर थ्री टू वन विच इज़ लास्ट इन फर्स्ट आउट जो भी अखीर वाला नंबर होगा वो सब से पहले वापस आएगा स्ट्रॉग रिकमेंडेशन प्लीज़ राइट दिस क्लास इट्स वेरी इंटरेस्टिंग इम्प्लीमेंटेड एंड टेस्टेड आउट पूरा कोड आपके पास है लेकिन अपने हाथ से लिखें और इसको प्रैक्टिस करें और ख़ास तौर पर टेम्पलेट इस्तेमाल करें सो देट यू कैन प्रूव टू योर सेल्फ के स्टैक जो है वो नंबर्स के लिए भी काम कर रही है और कैरेक्टर्स के लिए भी काम कर रही है यानी इट वी फन अगर मैं कहता कि जी इंट के और डबल का आप कंपेयर कर सकें इंट एंड डबल के लिए तो ये काम करती है लेकिन जब हम कोई और फैंसी मैनिपुलेशन नहीं कर रहे हम दो चीज़ों को जमा नहीं कर रहे सो वी डोंट नीड एनी ऑपरेटर ओवरलोडिंग इट्स अ वेरी सिंपल क्लास जिसमें आप ऑटोमेटिकली देख सकते हैं कि जी कैरेक्टर्स के लिए भी इट बिहेव्स द वे वी एक्सपेक्टेड टू बिहेव लास्ट इन फर्स्ट आउट डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर ये बार बार बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स आएंगे जैसे हमने आज स्टैक की बात की देर इज क्यू डेटा स्ट्रक्चर देर आर लिंक लिस्ट एट्सट्रा क्यू होती है आपको पता है कितार में खड़े हो जाते हैं तो कितार में हम नॉर्मली खड़े होते हैं ह्यूमन बींग्स पर्सनस आर स्टैंडिंग इन अ क्यू क्यू का करेक्ट कॉन्सेप्ट वो क्या है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट जो कतार में पहले आएगा वो पहले सर्व होगा पहले निकलेगा बाहर स्टैक लास्ट इन फर्स्ट आउट क्यू जो है वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है अगेन अगर सोचें तो क्यू तो किसी चीज़ का भी हो सकता है इट कैन बी ए इंटिजर्स का क्यू इट कैन बी अ डबल्स का क्यू इट कैन बी अ क्यू ऑफ पर्सनस सो अनदर यूज फॉर अ टेम्पलेट क्लास कमिंग अप आप अपने इर्द गिर्द देखें रियल वर्ल्ड में तो जब भी आप प्रोग्रामिंग के हवाले से सोचते हैं वी थिंक इन टर्म्स ऑफ डिफाइनिंग क्लासेज फॉर ऑब्जेक्ट्स दैट आर अराउंड अस बिकॉज नॉर्मली आर प्रोग्राम्स आर सपोज टू मैनिपुलेट रियल रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स हम उनको किसी तरीके से एब्सट्रैक्ट करके कंप्यूटर के अंदर ले जा रहे हैं और फिर उनको इस्तेमाल करते हैं बाय नाओ यू शुड स्टार्ट थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ जेनेरिक वर्जनस फंक्शंस की हमने बात की थी आज मैं क्लासेस की बात कर रहा हूँ कि जी यू शुड थिंक इन टर्म्स ऑफ जेनेरिक क्लासेस, कि जी एक सेट ऑफ एक्शंस है जो कि मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों के लिए सिमिलर है जेनेरिक क्लास जिसके अंदर टेम्पलेट क्लास टी ऊपर लिख के टी इस्तेमाल आप करें और फिर उसके लिए इंस्टेंशिएट करने के लिए ऑल यू नीड टू डू इज क्लास नेम एंगल ब्रैकेट्स के अंदर लिखें किस किस्म की क्लास वहाँ पे इंट या डबल आएगा या चार आएगा वट और फिर उसके ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होते जाएंगे एंड द नाइस थिंग विद ऑल दिस प्रोसेस एज विद फंक्शन इज दैट इट इज डन ऑटोमेटिकली फॉर यू टेम्पलेट्स आर अ मेजर कोड री यूज फीचर ये रिलेटिवली रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ था सी प्लस प्लस की अगर हिस्ट्री देखें उसके अंदर तो टेम्पलेट्स केम इन वेरी लेट बट दे आर अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर एंड जैसे मैंने आपको बताया कि जी इसके मैं डेटा स्ट्रक्चर्स के हवाले से तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे सकता हूँ यू विल रियलाइज़ के वैन वी राइट मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स कोड इट मेक्स अ लॉट मोर सेंस टू कीप योर टोटल कोड बेस वेरी स्मॉल वेरी कॉन्साइज ताकि वो टेस्टेड कोड ही हर जगह पे इस्तेमाल हो रहा हो यही बात हमने की थी जब हम क्लासेस लिखने गए थे कि जी इंटरफेस और इम्प्लीमेंटेशन अलग-अलग कर दिया और फिर इम्प्लीमेंटेशन जो है जो हमने मेंबर फंक्शंस वगैरह लिखे हैं उसको थॉरली टेस्ट करके उसको सील कर दिया अब सील करके क्लास को इस्तेमाल करते जें उसके ऑब्जेक्ट्स बनाते जें हर ऑब्जेक्ट को पता है कि जी उसने बिहेव कैसे करना है यू हैव टेस्टेड कोड टू वर्क विद सो दे वॉज अ लेवल ऑफ़ एब्सट्रेक्शन फ्रॉम डिटेल हमें डिटेल की ज़रूरत नहीं रहती टेम्पलेट फंक्शन गो इवन और टेम्पलेट क्लासेज गो वन स्टेप इवन फर्दर एंड दे से कि जी एक कोड बेस है अब आप कई मुखलिफ़ किस्म के काम कर सकते हैं सो यू कैन इंस्टेंश ऑब्जेक्ट ऑफ मैनी डिफरेंट टाइप्स स्टेइंग विद इन वन पर्टिकुलर फ्रेमवर्क ये फ्रेमवर्क जो है या टेम्पलेट्स जो हैं ये इतनी को इम्पॉर्टेंट चीज़ बन गई कि अ कपल ऑफ रिसर्चर्स एक्चुअली सेट डाउन एंड स्टार्टड लुकिंग एट कि जी कंप्यूटर साइंस में या प्रोग्रामिंग में बार बार हम एक कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो इतनी चीज़ों पर अप्लाई कर रहा होता है कि उसको टेम्पलेटाइज कर देना चाहिए फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर एरे का कॉन्सेप्ट ले लें तो एरे के अंदर बार बार हमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें करनी पड़ती हैं कि जी नेक्स्ट एलिमेंट नेक्स्ट एलिमेंट नेक्स्ट एलिमेंट एरे के अखीर पे चले जाओ अखीर के शुरू पे चले जाओ अखीर पे कोई चीज़ ऐड कर दो दैट इज़ अ लिटिल ट्रिकी बट थिंक अबाउट के जी एरे ऑफ साइज़ हंड्रेड है हम हंड्रेड एंड फर्स्ट एलिमेंट डालना चाहते हैं भाई प्रैक्टिकली तो ये रिक्वायर्ड है हाँ हमें फिक्स्ड एरे के साथ तरीका नहीं आता बट नाउ वी नो वी कैन प्रोग्राम इट पहली एरे को कॉपी कर लें नई एरे एलोकेट करें 101 सौ मेम्बर्स की उसमें कॉपी कर दें पहले 100 मेम्बर्स एक जगह बची उसमें नई वैल्यू डाल दें तरीके हमारे पास हैं लेकिन ये चीज़ें ऐसी हैं जो कि रोज़मर्रा के, रोज के इस्तेमाल की हैं दिस एवरी डे यूज़ वॉज सो इम्पॉर्टेंट दैट दीज टू रिसर्चर्स दे एक्चुअली सेट डाउन एंड रोट अ होल लाइब्रेरी ऑफ कॉमन यूज फंक्शंस ये लाइब्रेरी जो है ये अब सी प्लस प्लस के ऑफिशियल स्टैंडर्ड का हिस्सा बन चुकी है इट इज़ कॉल्ड द एस टी एल स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी इसका इस्तेमाल इस कोर्स में नहीं होगा लेकिन यू शुड लोकेट बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन ऑन टेम्पलेट फंक्शंस एंड टेम्पलेट क्लासेस जो हमने डिस्कस की है यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि जी स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी में बहुत सारा काम आपके लिए कर दिया गया है अगेन बींग अ लाइब्रेरी मीन्स दिस इज़ अ टेस्टेड कोड बेस किसी ने लिखा है कोड को टेस्ट किया है और वहाँ पे आपको कंपाइल करके आपको दे दिया है अब उन टेम्पलेट्स को आप इस्तेमाल करें और अपने डेटा टाइप्स के लिए वो सारे कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट कर लें सो एरे डेटा टाइप जो है वो उसमें से इस्तेमाल करें आपका कोड बिल्कुल छोटा होकर रह जाता है एंड द अदर एडवाटेजे दैट दिस ऑल्सो गिव्स यू टेस्टेड कोड दे आर नो एरर्स नो बग्स इन इट आई मीन एक कॉमन मोटिवेशन का अगर स्टेटमेंट लिया जाए कि जी अगर कोड की कोई लाइन ना लिखी जाए तो उसमें कोई बग नहीं होता ना यू मे थिंक दिस इज़ ट्रिवियर बट द फैक्ट रिमेंस एज सुन एज यू राइट अ सिंगल लाइन ऑफ कोड देर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग एरर्स इन बग्स इन इट वेन यू राइट कोड विच इज़ मिलियंस ऑफ लाइन्स लॉन्ग देर आर मिलियंस ऑफ पॉसिबिलिटीज ऑफ मेकिंग एरर्स इन इंट्रोड्यूसिंग बग्स सो इफ यू हैव अ कोड बेस जो कि ट्राइड और टेस्टेड है तो आपकी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये होनी चाहिए कि जी उस कोड बेस को इस्तेमाल करते हुए अपने प्रोग्राम्स लिखे जाएं लिहाजा आपका प्रोग्राम छोटा सा रह जाता है थिंक अबाउट अगेन आल रिपीट जैसे हमने क्लासेस को इस्तेमाल किया कि जी अब हम जो आगे एग्जाम्पल करने जाएंगे एक कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल करते हैं अगले लेक्चर्स में उसमें भी आप देखेंगे द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड इट इज़ कि जी फॉर एग्ज़ाम्पल मेट्रिक्स ले लें तो दो मेट्रिस को ऐड करने के लिए हर दफ़ा कोई कॉम्प्लिकेटेड कोड ना लिखें एक दफ़ा लिख दें उसको टेस्ट कर लें और फिर जब इस्तेमाल करने हम कहें ए प्लस बी और काम हो जाना चाहिए सेम अप्लाइज टू द स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी इट इज़ अ लॉट ऑफ कोड अ लॉट ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट कोड विच हैज़ बीन प्री डिवेलप्ड फॉर यू इट्स अवेलेबल एज द लाइब्रेरी उसको इस्तेमाल करते हुए आप प्रोग्राम्स लिखेंगे तो आपके प्रोग्राम्स बहुत छोटे होंगे एंड छोटे होने की वजह से उनके अंदर उतने ही कम एरर्स होंगे वी विल स्टॉप टॉकिंग अबाउट टेम्परेट फंक्शन क्लासेज एट दिस टाइम वी हैव अ कपल ऑफ लेक्चर्स टू गो वट आई इंटेंट टू डू इज़ कि हम एक एग्जाम्पल पकड़ते हैं और एक क्लास बनाते हैं वो क्लास जो मैंने आइडिया लिया है वो यही है कि जी हम मेट्रिक क्लास को हैंडल करेंगे थ्रू आउट दिस कोर्स हम मेट्रिकस को बार बार लाते रहे हैं एग्जाम्पल्स के अंदर और उसकी एक वजह थी मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग कॉन्स्ट्रक्ट जो हैं वो मैट्रिक्स क्लास के अंदर उनकी रिक्वायरमेंट हो जाती है यानी डिसीजनस की भी हो जाती है लूप्स की भी हो जाती है नेस्टेड लूप्स की भी हो जाती है एंड सो एंड सो फोर्थ सो वॉट आई वॉन्ट टू डू इज़ टू यूज़ वन पर्टिकुलर बेस जिसके साथ हम एक कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल सॉल्व करें इकट्ठे सॉल्व करें और आपको मैं लीड थ्रू करूं कि जी कोड डिज़ाइन से लेके ख़त्म हो के इम्प्लीमेंटेशन तक उसके अंदर क्या कुछ करना पड़ता है सो द प्लान फॉर द रिमेनिंग कॉन्निंग कपल ऑफ लेक्चर्स इज़ बेसिकली टू डू अम्प्रिहेंसिव कोड बिल्डिंग एक्सरसाइज एंड ये बताता चलूँ ये जो हमारे रिसेंट दो लेक्चर्स थे टेम्पलेट्स के ऊपर ये ऐसे नहीं हैं कि जी सुन लिए और ख़त्म कर दिए इनको इस्तेमाल करना है तो हम जो मेट्रिक्स क्लास बनाएंगे उसको भी अखीर पर जाके हम शायद टेम्पलेट के अंदर कॉन्वर्ट करना चाहें सो दैट इज़ द इंटरेस्टिंग स्टफ कम अप टिल नेक्स्ट टाइम खुदा हाफि